तुम लोग को हम फेमस कर दे रहे हैं मेरे गांव की गोरी लोग। ये देखिए हम लोग का बहुत ही ज्यादा ही सरमारी हुआ। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ के आना बढ़िया से। ये देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से मैं उखाड़ रही हूँ। तो ऐसे हो जाता है गांव में काम कर करके, और फिर कोई कोई बोलता है खसुआ ही ऐसे कह के। अब क्या कर सकते हैं भाई, खसुआ ही सही। इसको जमा करते हैं पहले तो झाड़ू करके कुछ इस तरह से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, हम लोग भी अच्छे ही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं जा रही हूँ सुबह सुबह सदान लोग का गांव। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ पैसे हैं, तो ये पैसे मुझे देने हैं उस टोली में। सूद और मूर यही सब, और ये वाला सूद तो पापा वाला मैं नहीं भर रही हूँ, ये मेरा भाई वाला है। वो पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया था कि दे दीजिएगा बोल के। वो पता नहीं किस काम से वो बिना मतलब का सदान लोग से पैसे उठाया था, वो भी सूद में। 100 का एक महीने में 20 रुपये बनता है, तो वही मैं देने जा रही हूँ ये पैसा बटोली। और अभी मैं कुआं से 2 बार पानी ला चुकी हूँ। अभी मैं धान चढ़ा के आ रही हूँ, और चूल्हा जगह तो माँ बैठी हुई है, तो मैं उसको बोली कि आप देखिए तब तक आ रही हूँ। माँ का भी आज मीटिंग है, तो वो भी आएगी अभी थोड़ा देर में। अभी तो 7:30 बज रहा है, तो 8 बजे तक वो लोग भी आएगी। वहाँ भी मुझे काम है, क्योंकि वो लोग का महिला मंडल से भी, जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ पैसे उठाए हैं। गांव तो मैं आ चुकी हूँ, तो आप लोग बने रहिए आज के ब्लॉगिंग में, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। माँ तो बनी आ रही ही जाएगी बोल रही थी, और मेरा तो कुछ और ही काम है। गाइस मैं पैसा दे करके तो वापस आ रही हूँ। अभी मेरे गाँव तरफ से ना स्कूल बच्चे लोग आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिएगा अभी लोग भिड़ के भागेगी, मेरा कैमरा ऑन है इसलिए। ये देखिए पहले हम लोग भी पैदल जाते, देखो ना कितना लजा रही है, जैसे कि हम लोग को कुछ कर लेंगे। अरे तुम लोग को हम फेमस कर दे रहे हैं मेरे गांव की गोरी लोग। ये देखिए हम लोग का बहुत ही ज्यादा ही सरमारी हुआ। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ के आना बढ़िया से। मेरा भाई का सूद मूर तो सारा पैसा दे दी हूँ, कितना दी हूँ वो तो आप लोगों को थोड़ा देर में बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं मेरी माँ लोग का महिला मंडल जगह आई हूँ, वहाँ भी पैसा देना है। बाप रे कितना पैसा देना है भगवान जाने। अभी मैं मेरी माँ लोग का महिला मंडल जगह यहाँ पैसा दूंगी, इसलिए अभी इधर ही हूँ। माँ लोग आएगी सर, अभी तो 2-3 जन ही आए हुए हैं, तो यहाँ मैं वेट करती हूँ। इधर ही पेड़ के पास में बैठते हैं महिला मंडल वाले। गाइस मैं आ चुकी हूँ सदान गांव से, और आप लोगों को बताती हूँ मेरा भाई वही टोली में 2 घर से लिया था 1,000 रुपया, वो भी 100 रुपया। बता चुकी हूँ फिर भी बता रही हूँ, 100 रुपया का एक महीना में 20 रुपया, यानी कि बोलते हैं इसको सैकड़ा 20 रुपया करके। तो वहां मैं वो 1,000 तो दी मूर, ऊपर से सूद एक घर में दी मैं 1,400 रुपया, और एक घर में दी 1,200 रुपया, इतना मैं सूद दी हूँ 1,000 का। आप लोगों को बताई थी मैं कि 15,000 है हम लोग का कर्जा, तो उसमें से मैं 10,000 दे दी हूँ। और ये पैसा मेरा पैसा तो नहीं है, मेरी मंजली दीदी भेजी हुई थी, उसी में से मैं 10,000 मैं वहाँ दे दी हूँ। सिर्फ अब सिर्फ 5,000 बाकी है, अभी थोड़ा हल्का लग रहा है, तो 5,000 तो मैं दे दूंगी, मेरा जब यूट्यूब पेमेंट आएगा तो मैं दे दूंगी। पापा वाला बाकी है, वो मैं दूंगी, लेकिन थोड़ा आराम से, एक ही बार इतना पैसा का पेड़ थोड़ी लगा हुआ है कि तोड़ तोड़ के मैं उन लोग को पैसा देते जाऊँ। तो पापा का है, तो वो थोड़ा आराम से देंगे। अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, धान का पानी अटाया है कि नहीं, और फिर नाश्ता कर लेती हूँ। मैं नाश्ता तो कर ली हूँ, और माँ चली गई है बनियारी, तो जो भी काम करना है वो मुझे अकेले ही करना है। तो नाश्ता करके मैं सारा बर्तन को मांज ली हूँ घर के पास में ही, ताकि शाम में थोड़ा इजी हो जाए खाना वगैरह बनाने के लिए, इसीलिए सारा बर्तन धो दी हूँ। तो अभी फिलहाल तो मैं जा रही हूँ धान सुखाने के लिए। ये देख सकते हैं ये धान को सुबह चढ़ाई थी, तो ये भाप हो गया है, तो इसको सुखाना है हणिया के लिए। ये गोड़ा वाला धान है, तो इसको पहले ये बोरा में डालती हूँ, उसके बाद छत के ऊपर ले जाना है। गाइस धान को तो मैं बोरा में डाल दी हूँ, और आधा तो गिर गया है यहाँ आसपास देख सकते हैं। इसको मैं झाड़ू करके उठाती हूँ, इसमें डालती हूँ, और डेस्की तो जला दिए हैं नीचे। अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ, तो उड़द है शायद चाची लोग का, यहाँ तो जिड़ी भात सूख रहा है, आई मीन सनई फूल। और ये इसको ना सर में ढो के ये वाला सीढ़ी में मैं चढ़ी हूँ, डरते डरते। गाइस गर्म ही है अभी तक, देखिए तो भाप निकल ही रहा है। बाप रे बाप, ओह मेरा पैर जल गया, उसमें घुसी हुई, बहुत ज्यादा गर्म है। कैसे करूँ मैं झाड़ू भी नहीं ले कई, बाप रे बहुत गर्म है। ये देख सकते हैं धान तो मैं पसार दी हूँ कुछ इस तरह से वहां तक, अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं।
और बोरा को मैं ईटा से इस तरह से जात के जा रही हूँ ताकि उड़े नहीं। और अभी मैं नीचे उतरती हूँ यही सीढ़ी के थ्रू। मन तो कर रहा है इसको पकड़ के झूल जाऊँ लेकिन गिर जाऊँगी, पटका जाऊँगी। वैसे अभी मैं घर के पास आ चुकी हूँ और अभी इसमें माँ सनई फूल को सुखाने के लिए चढ़ाई है। इसको उल्टा कर देते हैं, कितना मेहनत से मैं तोड़ी थी, कैसे गीला कर दी है। और इसको भी बताइए तो कितना कौन भांपता है, पूरा गीला कर दी है। फिर से चढ़ा दे रही हूँ, सूखेगा उधर। यहाँ पर मैं अपना बरस अज्जी भी छोड़ी हूँ, इसको भी अंदर कर देती हूँ। गाइस अभी मैं बादाम कोड़ने आ चुकी हूँ, तैयार हो चुका है बादाम। तो ये देख सकते हैं कुदाली भी मैं लेके आई हूँ। ये परात, और ये परात इसीलिए काला है क्योंकि माना कांदा इसमें रखी थी पूरा एक परात की क्या की थी, और जिसकी वजह से ये दाग लग गया है, ये कांदा का दाग है। इसी में मैं बादाम को रखूंगी। तो अभी जा रही हूँ कोड़ने जल्दी जल्दी ये कुदाली से। इतना बड़ा जगह मैं बादाम उखाड़ ली हूँ, कोड़े भी हूँ, ये देख सकते हैं इधर वगैरह। और ये देख सकते हैं परात में इतना हुआ है, और इसको छांटना पड़ेगा। अभी तो मैं अकेले से बादाम उखाड़ रही हूँ, कोड़ रही हूँ और तोड़ रही हूँ, तो इतना ही की हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रहा है, तो मैं घर की ओर जाती हूँ, हंसुआ को केवल ले जाती हूँ। इतना बाकी है, उसको आके करूँगी थोड़ा देर में। इस बादाम को तो सुखाना पड़ेगा, लेकिन इसको अभी के लिए घर के अंदर में उछल देती हूँ किसी कोने में। पानी तो पी ली हूँ, और ये झाड़ू ले करके अभी मैं फिर से छत आ रही हूँ, क्योंकि धान एक ही साइड से सूख रहा है। धान को दोबारा मैं पसा चुकी हूँ, झाड़ू को अभी तो छत में ही छोड़ के जा रही हूँ। और ये ना नहीं सूखा है, शाम तक शायद सूख जाएगा। फिर से मैं ये परात पकड़ के जा रही हूँ बादाम कोड़ने के लिए। ये देख सकते हैं इधर का सारा बादाम मैं उखाड़ के खत्म कर ली हूँ, उधर आगे साइड में थोड़ा सा बाकी है। और इधर तो बादाम उखाड़ करके फिर कोड़ी हूँ, क्योंकि एक दो छूट ही जाता है कि टूटता है ना उखाड़ते हैं उस समय। और इधर को नहीं कोड़ी हूँ, सिर्फ उखाड़ की इतना जमा की हूँ, थोड़ा सा नहीं भरा है परात। और इसको कोड़ूंगी तो थोड़ा बहुत निकलेगा, तो कल कोड़ूंगी, अभी तो शाम होने को है। उधर देख सकते हैं सूरज डूब रहा है, और इधर साइड में है थोड़ा सा है, यहाँ से लेके वहाँ तक है, तो इसको कल सुबह में करूँगी। तो बैगन मैं तोड़ लेती हूँ, अभी बनाऊँगी जा करके आलू के साथ में। कांटा कितना है ये देखिए, हाथ मेरा देखिए कैसे हो गया है, ये देखिए हाथ, हाथ जैसे दिख रहा है कैसा हो गया है, बादाम उखाड़ उखाड़ करके ऐसे, ये दाहिना हाथ। और इधर देख सकते हैं ये तो थोड़ा कम हुआ है। तो ऐसे हो जाता है गांव में काम कर करके, और फिर कोई कोई बोलता है खसुआ ही ऐसे कह के। अब क्या कर सकते हैं भाई, खसुआ ही सही, क्योंकि ऐसे खेत टाण में आप काम करिएगा ना तो खसुआ ही बनना पड़ता है। कोई कोई कमेंट करता है हमको कि खसुआ ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं गाँव की खसुआ ही सही। ऐसे तो मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ वैसा, क्योंकि समय के साथ में चेंज होना पड़ता है, और काम है गाइस करना तो पड़ेगा, कौन कर देगा। और ये सब काम आना चाहिए, और मैं तो करती हूँ भाई। इस बैगन भी इतना ही मिला, आलू मिला करके दोनों जन का हो जाएगा, मेरा और मेरी माँ का। तो अभी इसको ले जा करके जा रही हूँ गाइस घर। अभी मैं ये सूप ले करके धान ले जाने के लिए आई हुई हूँ, तो जल्दी जल्दी चढ़ती हूँ फिर से छत में। कभी कभी डर भी लगता है ये सीढ़ी टूट ना जाए। गाइस मैं धान तो डाल ली हूँ बोरा में, शायद इसको मैं अभी कुटवाने ले जाऊंगी मेरे मामा गांव। तो अभी फिलहाल ये झाड़ू और सूप को ऐसे ही नीचे गिरा देती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस साफ है यहाँ आसपास। इसको अभी सिर में ढो करके फिर ये सीढ़ी के थ्रू मुझे उतरना है, कितना डिफिकल्ट होता है। किसका साग और अभी तक सूख ही रहा है, क्या कर सकते हैं, किसका है मुझे पता भी नहीं है। मैं हाथ पैर धो ली साबुन से अच्छे से, और अभी ये धान को स्कूटी में लोड कर ली हूँ, स्कूटी वगैरह निकाल करके। और अभी जा रही हूँ मैं मेरे मामा गांव, क्योंकि वहाँ मशीन है और अभी आवाज़ कर रहा है, शायद कूट रहा है धान, इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये पर्स डाल लेती हूँ, तो मिलूंगी आप लोगों से। धान पहले कुटवा के लेके आती हूँ। अभी बज रहा है 6:30 और मैं अभी आई हूँ धान कुटवा के, और इतना अंधकार था ना, एकदम डर भी लग रहा था, इतना स्पीड गाड़ी चलाई हूँ ना, एकदम झूड़ झाड़ में अंदाजे टकराते हुए आई हूँ, क्योंकि डर के वजह से मुझे ना ऐसा अंधकार होता है गांव तरफ से, ना भूतों से डर लगता है, लग रहा है ना पीछे से आ रहा है, ऐसा मतलब फील होता है, मतलब वो एक वहम है ना, भूत वगैरह पता नहीं होता है कि नहीं मुझे नहीं पता।
पर होता है ना कि थोड़ा सा अंधकार होने लगता है ना, तो लग रहा है पीछे से कोई आ रहा है, यही मुझे फील होता है। इतना स्पीड आई हूँ ना, कहना ही नहीं। और मेरे लिए लेके आई हूँ ये पार्ले, अभी जाने चाय बनाऊंगी और ये पार्ले जी बिस्किट खाऊंगी। दोपहर में मैं खाना नहीं खाई हूँ और बहुत ज्यादा भूख भी लग रहा है, तो मैं खाना भी चढ़ाती हूँ भूख कंट्रोल करने के लिए, इसी को खाती हूँ। और खाना पका के ही खाऊंगी क्योंकि इतना आज काम की हूँ। एक परात बादाम अकेले से उखाड़ी हूँ, आधा तो कोड़ी भी हूँ, कमर वगैरह बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है और थकान भी बहुत महसूस हो रहा है, फिर भी मैं अभी खाना पकाऊंगी। अब बैंगन और आलू का तियन बनाऊंगी, फिर अच्छे से खाऊंगी तभी मैं सोऊंगी, नहीं तो फिर वीकनेस फील होगा, सुबह बहुत ज्यादा फिर सिर दर्द देने लगेगी, इसलिए खाना खा कर ही सोऊंगी। तो गाइस जा रही हूँ, आग वगैरह कुछ नहीं सुलगाई हूँ, तो जा रही हूँ आग वगैरह सुलगाने के लिए। पहले तो इसको उतार देते हैं, सुबह माँ को कुछ ना करवाएंगे, यहीं रखते हैं अभी के लिए। चूल्हा वगैरह में आग बिल्कुल भी नहीं सलगा हुआ, अभी मैं आग सलगा चुकी हूँ और आधा अंधी हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं फिलहाल बिस्किट खा रही हूँ, तो जल्दी से खाना और सब्जी पकाते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। खाना तो मैं बना ली हूँ, अभी मैं सब्जी चढ़ाई हूँ, ये देख सकते हैं बैंगन और आलू, मेरा आग तो भूत रहा है। खाना और सब्जी दोनों बन चुका है और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मैं खाना खा ली हूँ और अभी जा रही हूँ सोने के लिए। मिलती हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं पर ब्लॉग वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।